देश के आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर मनाए जा रहे स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा सूरजकुंड स्थित विद्यालय से निकाला गया, जो गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर संपन्न हुआ। शोभा यात्रा में भारत माँ की झांकी के साथ स्कूली छात्राओं ने 75वें वर्ष के अवसर पर 75 मीटर का तिरंगा लेकर शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाई। गोरखनाथ मंदिर पहुँचने पर शोभा यात्रा का स्वागत महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह, गोरखनाथ मंदिर के कार्यालय सचिव द्वारिका तिवारी सहित अन्य लोगों द्वारा किया गया। शोभा यात्रा में स्कूली छात्राएं महापुरुषों की वेशभूषा में नजर आईं। कोई रानी लक्ष्मीबाई तो कोई अहिल्याबाई तो कोई महाराणा प्रताप तो कोई भगत सिंह के भेष में नजर आईं और लोगों को देशभक्ति के प्रति जागरूक किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शोभा यात्रा को गौरवान्वित करने वाली छात्राओं और कॉलेज की प्रबंधक प्रोफेसर प्रकृति पांडे तथा प्रधानाचार्य डॉक्टर सरोज और संयोजक अलका सिन्हा ने कहा। हमारे लिए देश के लिए बहुत अच्छा है कि रानी लक्ष्मीबाई हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत मदद करती है। आज महिलाओं के महिलाओं को ऐसा ही करना चाहिए और रानी लक्ष्मीबाई से सीख के सारी महिलाओं को एक जैसे आगे बढ़ना चाहिए। राजश्री शर्मा, भिकाजी कामा, भिकाजी कामा विदेश में हमारा झंडा पहली बार लहराई थी तिरंगा, और भिकाजी कामा का डायलॉग था ये कि आगे बढ़ो, हम भारतीय हैं और भारत भारतीयों के लिए है। थैंक यू। अंकिता मिश्रा, जीजाबाई छत्रपति शिवाजी महाराज की माता थी और शिवाजी महाराज जो भी थे जीजाबाई के वजह से ही थे। जीजाबाई ने उन्हें प्रेरणा दिया, उन्हें हौसला दिया। शिवाजी महाराज जो कुछ भी थे अपनी माता के ही कारण थे। काजल, दुर्गावती भगत सिंह की भाभी थी, उन्हें लोग प्यार से दुर्गा बुलाते थे। वे अपने जेवर बेच के राम प्रसाद बिस्मिल और
भगत सिंह इन सबको औजार दिलाती थी। शिखा तिवारी, मैं कक्षा नवम ग की छात्रा हूँ और मेरा रोल वीर दामोदर सावरकर का रोल है और वो एक पॉलिटिशियन थे जो हमारे देश के प्रति, हमारे पूरे समाज के प्रति बहुत अपनी अच्छी तस्वीर, अपनी हर एक अच्छी कार्यों के साथ अपना अनुभव दिए हैं और उनके उन्हीं के लक्ष्य कदम पे चलने का हमें अवसर प्राप्त हो, इससे अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकती है। और इस ये रोल मुझे मिला, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। रानी लक्ष्मीबाई थी, वह वहाँ झांसी की रानी थी और वह नारियों की शक्ति को जगाती थी। उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया है, उनका बहुत बड़ा सहयोग है हमारे देश को आज़ाद कराने में। मेरा नाम शिखा सिंह है। सुचिता कृपलानी जो कि पहली चीफ मिनिस्टर फीमेल थी, यूपी की फीमेल पहली मतलब चीफ मिनिस्टर थी, पहले मतलब वो गांधी जी के साथ रह के बहुत सारा काम की, उनके साथ ही रह के मतलब उनके साथ देती थी और उन्हीं की वजह से आज देश आज़ाद है। नव मल्लिका सिंह, भगत सिंह का है। भगत सिंह का जन्म लाहौर पाकिस्तान में हुआ था लेकिन उनका पैतृक स्थान भारत में है, इसलिए वो बहुत बड़े एक क्रांतिकारी थे और क्रांति करते करते वो भारत के लिए फांसी पे शहीद हो गए। प्रोफेसर कीर्ति पांडे, इस झांकी का मुख्य उद्देश्य, ये जो तिरंगा शोभा यात्रा है, इसका मुख्य उद्देश्य है जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है उसको देशभक्ति की भावना से जोड़ना, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश के जो युवा हैं हमारे देश के बलिदानियों को भूलते जा रहे हैं, तो उन्हें याद करने की दृष्टि से और जो शहीद हैं हमारे देश में जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी कुर्बानी दी, उन कुर्बानियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देना तथा उनको याद करने की दृष्टि से यह शोभा यात्रा निकाली गई है। मेरा नाम अलका सिन्हा है। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव एक बहुत बड़ा 75 साल पूर्ण होने के कारण इस अवसर को सभी वीरांगना, महिला वीरांगनाएं एवं पुरुष महापुरुषों को याद करने का एक शुभ अवसर प्रदान हुआ और इस कार्यक्रम का संयोजन करने के लिए मुझे इसका कार्यभार दिया गया, जिसके लिए मैं विद्यालय और सभी मेरे जो अधिकारीगण हैं मैं उनको अपनी तरफ से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। डॉक्टर सरोज तिवारी, प्रधानाचार्य सरस्वती माता पिता, ये वर्ष जो चल रहा है 15 अगस्त से, ये हमारे स्वतंत्रता का 75वां वर्ष चल रहा है